छोटी जी थां तो उठ के ना लोग इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच रहे हैं। इन्हां दी कहानियां ना वायरल होनी चाहिए क्योंकि बहुत चीज़ां से हैं सानू सीखण नू मिलदी हैं। मेरे नाल अभिनंदन है जो कि अगर गल करूँ इन्होंने आप दी म्यूजिक कंपनी लॉन्च की है तो वानस ब्रदर्स के लांग लिंकअप भी ने किवें शुरुआत हुई अगर थोड़ी जीवन की शुरुआत की गल करिए कितों स्टार्ट हुई दर्शक भी जानना चाहेंगे इतना बड़ा सपना तुसीं जो हुण पूरा किया है उसकी शुरुआत किस तरह। इंजीनियरिंग करने के बाद मैं काफ़ी देर तक अफ्रीका में काम कर रहा था। अफ्रीका में एक देश है जाम्बिया जो साउदर्न साइड पे है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, वहाँ पर काम करते हुए कुछ रियलाइज़ हुआ कि शायद आप म्यूज़िक को टेलीकॉम के साथ अटैच करके आप कुछ काम कर सकते हो। वहाँ से धीरे धीरे देन आई स्टार्टेड डीलिंग विद द आर्टिस्ट, कुछ आर्टिस्टों से बातचीत होनी शुरू हुई, उनके गानों को लेकर बातचीत होनी शुरू हुई। फ्रॉम जाम्बिया देन आई शिफ्ट टू साउथ अफ्रीका फॉर सम टाइम, वहाँ पर सबसे पहली बार हमारी डील हुई वॉर्नर म्यूज़िक के साथ, जहाँ पर हम उनके गाने लाइसेंस करते थे और वी स्टार्टेड सेलिंग देयर सॉन्ग। देन फ्रॉम देयर जब वी केम बैक टू इंडिया, जो हमारी सिस्टर कंसर्न कंपनी थी यहाँ पर उनके वो ऑलरेडी प्रेजेंट थे इंडिया में, पर जब हमने काम करना शुरू किया तब वॉर्नर दे आल्सो शोड इंटरेस्ट के वॉर्नर म्यूज़िक इज़ नॉट प्रेजेंट इन इंडिया एट दैट टाइम। तो उन्होंने कहा कि अभिनंदन यू आर हेयर एंड यू हैव सम एक्सपीरियंस इन पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री, तो वी वॉन्ट टू वर्क टुगेदर। इसीलिए फिर देन यू स्टार्ट डिस्कसिंग, जितना भी हमने उनके साथ डील वगैरह करी, और इसी साल आई थिंक मई में वॉर्नर म्यूज़िक दे बिकम द पार्ट ऑफ ज़िकी मीडिया, और अब ज़िकी मीडिया वॉर्नर म्यूज़िक एक कंपनी की तरह काम कर रहे हैं, और उन्हीं के साथ मिलकर हम ये सारे प्रोजेक्ट जितने भी हम डील साइन कर रहे हैं इंडिया में, जो हमने आज साइन करी वो देसी क्रू के साथ, तो वो सारी डील्स हम कर रहे हैं। और साथ साथ एक जो एम्बिशन है, जो गोल है, वो ये है कि हम कैसे अपने इंटरनेशनल आर्टिस्ट को लें और उनकी एक कोलैब करवाएं आर्टिस्ट लाइक देसी क्रू एंड ऑल। इंटरनेशनल रैप मतलब हमेशा से सोचते थे कि कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट आके पंजाबी इंडस्ट्री के विच रैप करूगा, भावें आप गल करिए साडे सिद्धू मूसेवाला ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस तरह की कोलैबोरेशन जो होने वाली ने कोई हले साइन किया इंटरनेशनल तो पंजाबी स्टार मिलकर? हले असी कोई क्योंकि आर्टिस्ट साइन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आर्टिस्ट आर ऑलरेडी विद अस एज एन इंटरनेशनल एज अ पार्ट ऑफ वॉर्नर म्यूजिक इंटरनेशनल, पर जो सॉन्ग प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बस कल रात को ही हमने एक गाना फाइनल किया था सर के साथ, देसी ग्रुप के साथ, और उन्होंने उसका स्क्रैच बना के एक दिया भी है एंड देन वी हैव प्रेजेंटेड टू द टीम। होपफुली वी आर ट्राइंग आर बेस्ट कि विद इन दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी विल रिलीज वन इंटरनेशनल ट्रैक एज एन देसी ग्रुप एंड आर। साड़ी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री गल करिए इंजीनियरिंग ना बड़ी वो पैदा करती है, खलबली पैदा करती है, बहुत सारे अपना एक वेरियस की कहें आप एक बड़ा जहा थां बन गया, प्लेस बन गया जिते सारे खेड सकते हैं, एवरीबडी इज़ प्लेइंग एंड इंजीनियर की इस सब तो ज़्यादा तादाद, भावें आप गायक की गल करिए, प्रोडक्शन की गल करिए या फिर एक्टर्स की गल करिए। पता नहीं मैम, आई डोंट नो हाउ टू आंसर दिस, पर मे बी हो सकता है कि इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो जो इंजीनियरिंग में है वो इंजीनियरिंग में है, हमको जब इंजीनियरिंग मौका नहीं मिलता तो हमें लगता है कुछ और कर लेते हैं, तो शायद ऐसे ही होगा। घर दे अगर तुहाडी गल करूँ परिवार च किन्ने मैंबर ने, मम्मी पापा किवें दा महसूस करते हैं कि साडा मुंडा एक इंटरनेशनल हुण पंजाबी स्टार्स तो है ही है, इंटरनेशनल लैवल दे स्टार्स दे नाल काम करूगा? मतलब मैम आई एम श्योर उनको प्राउड लगता होगा। वेल टू बी अपफ्रंट ऐसा उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, शायद उनको लगता है कि कहेंगे तो शायद ज़्यादा हवा में चढ़ जाएगा तो बस हाँ, मतलब मॉम डैड और एक बड़ा भाई है, और मॉम डैड दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, दे बोथ आर रिटायर्ड नाउ। या सो मैंने कभी इतना नहीं सोचा होना कि इंजीनियर बन गया, चलो हूँ काम काज कर गया, नहीं पाया सी अपनी कंपनी खोलेगा, ऐसा कुछ प्लान था भी नहीं कभी। और इट जस्ट वेंट विद द टाइम, मतलब जब काम करना शुरू किया धीरे धीरे एंड देन यू रीच देयर। अभी भी ऐसा नहीं है कि इट्स एज एन 100% ओन्ड बाय समवन, तो पार्टनर्स हैं और बॉसेस हैं, तो इट्स देयर। पार्टनर्स है बॉसेस है, इसके बारे में मतलब चर्चा होनी चाहिए क्योंकि जब पार्टनर्स आते हैं बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर सहमति असहमति जो रहती है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनर्स के साथ झगड़ा या असहमति वो शायद तभी तक रहती है जब तक पार्टनर ये देखते हैं कि आप उनके पार्टनरशिप में या उनके बिजनेस में वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हो।
हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो पार्टनर हमारे साथ जुड़ा है या फिर जो भी कंपनी हमारे साथ जुड़ी है उनके लिए हम एक वैल्यू ऐड कर सकें, क्योंकि जब तक हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं तब तक उनको लगता है कि ये पार्टनरशिप बहुत सही है, पर द मोमेंट वी स्टार्ट बिकमिंग एज अ बर्डन देन डेफिनेटली इशूज आएंगे एंड वी एज अ कंपनी वी ऑलवेज फील कि यू गो लिमिटेड बट यू गो वेरी फोकस्ड। सो ये फोकस तो बिल्कुल पूरे हो, पर मैनू ये दसो फोकस दे नाल हुण नैक्सट स्टार जे ने किहड़े साइन करन वाले हो या आने वाले दिनों दे विच किना स्टार्स नू आपां नाल देख सकदे ने? मैं वैसे तो काफ़ी बड़े स्टार ऑलरेडी लाइनअप में है और होपफुली वी विल नॉट बी एबल टू रिवील द नेम्स क्योंकि यू नो दे आर नॉट नेम्स और अनलेस वी डोंट साइन द डील वी डोंट वांट टू रिवील द नेम्स एंड ऑल दैट। हां ये गल सही है क्योंकि नजर लग जाती है बहुत क्या तुम्हारी गलबात छ ना हिमाचल दी टच जी आंदी हिमाचल तो नहीं जी मैं बाय बर्थ चंडीगढ़ हूं। हां जी बाय बर्थ मेरा बर्थ वी सेक्टर चंडीगढ़ है बट उसके बाद क्योंकि मॉम एंड डैड दोनों गवर्नमेंट थे तो हम अम्बाला शिफ्ट हो गए थे फिर उसके बाद मेरी पढ़ाई लिखाई सारा अम्बाला से एंड ऑल दैट। इन्होंने तैयारी खिंच ली हैगी है हुण ये दस नहीं रहे कि पढ़ते तो उसके पार की है पर सानू वेट करना पेगा हुण ये वेट किन्ना कर सबर का फल कहिंदे मिठा होंदा इस वास्ते सानू वेट ही करना पेगा। कैमरामैन रजत दे नाल नीरू बिजवान बाबू शाही।